साथियों, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल, ये तस्वीरें हरियाणा के महेंद्रगढ़ शहर की हैं। यहाँ पर हमारे जो संवाददाता हैं मिस्टर आशीष कौशिक वो पहुँचे, उन्होंने ये तस्वीर रिकॉर्ड किया अपने कैमरे में। ख़ास तौर पर बात यह है कि ये जो तस्वीरें हैं महेंद्रगढ़ शहर की हैं। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जैसे ही बारिश हुई, बारिश होते ही महेंद्रगढ़ शहर की तस्वीर जो है बिल्कुल बदल गई। बारिश का आगमन तय था कि मानसून जब आता है तो बारिश आएगी ही, और ये आगमन लगभग जून जुलाई, जून ना कहें तो ये लगा लीजिए जैसे ही जुलाई शुरू होता है तो उसके बाद मानसून अपने दक्षिणी हरियाणा या हरियाणा भर में आ जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए पिछली बार जब इस तरह से शहर के हालात बिगड़ा करते थे तो हम सब वहाँ पर जाते थे SDM साहब के पास, और वहाँ पर हम उनसे बातचीत करते थे इस विषय में कि किस प्रकार से शहर का विकास हो सकता है। काफ़ी बार मशक्कत करने के पश्चात उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस रेस्ट हाउस में बुलाई, और उस रेस्ट हाउस के अंदर उन्होंने कहा कि जैसे ही शहर के अंदर, जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है तो शहर के अंदर जो सड़कें हैं वो हम बना देंगे, बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार है बस। कुछ महीने बीते और बारिश भी रुक गई, मौसम सब सही हो गया। उसके पश्चात शहर के अंदर देरी से ही सही लेकिन विकास कार्य शुरू हो गए। अलग अलग जगह पर जो सड़कें बनी हुई थी टूटी गड्ढों के साथ थी, उन गड्ढों को खोद दिया गया और सड़कें बंद कर दी गई। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मेन जो व्यस्ततम मार्केट थे हमारे महेंद्रगढ़ शहर के, वो बंद भी रहे, चाहे वो कम्प्लेक्स मार्केट था या फिर जो बालाजी चौक से मशाणी चौक की तरफ जो मार्केट लगता है, मेन जो सिनेमा रोड जिसे बोलते हैं, ये मार्केट भी बंद रहा। हालांकि उस जगह पर इस तरह का सड़क बनाया गया कि आज एक बार फिर से उसको खुदाई कर दी गई, और जैसे ही खुदाई की गई तो आप देख सकते हैं बीच का जो सेक्शन है उसमें पानी भरा हुआ है। ये खास तौर पर बात यह कि जिस समय पाइप बिछाया जा रहा था जल निकासी के लिए, उस समय भी हमने कहा था कि ये सड़क दोबारा से बनानी पड़ेगी, और हुआ यही कि सड़क दोबारा से बनाई जा रही है, या अभी उस पर कुछ कार्य एक्शन होना बाकी है, लेकिन सड़क को दोबारा तोड़ जरूर दिया गया है। एक खास बात यहाँ पर और भी कहना चाहेंगे कि यही नहीं, इसके अलावा गौशाला रोड के ऊपर भी जो सड़क बनी, वो सड़क भी कुछ इस प्रकार की बनी कि उसको तो बारिश का कह सकते हैं कि इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा, वो तो बाई हैंड जैसे ही बनी उसके अगले दिन ही वहाँ पर रोड़ियाँ निकल आई, और लोगों ने वहाँ पर, व्यापारी ने वहाँ पर विरोध भी जताया। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर, आपने पहले भी देखा होगा कि हमने आपको दिए हैं, जैसे आप राव बहादुर सिंह जी जो पूर्व विधायक रहे और पूर्व शिक्षा मंत्री के घर की तरफ जो रास्ता बढ़ता है सतनाली चौक, आज जो महाराणा प्रताप चौक हो चुका है, उस जगह पर जो रास्ता जाता है, उस जगह के लिए जो रास्ता मेन रोड जो कनेक्टिविटी बनाता है जिसे ब्रह्मचारी रोड के नाम से जाना जाता है, उसको बनाया गया टाइल्स के साथ, और टाइल्स के साथ गुणवत्ता बहुत बेकार उसमें इस्तेमाल की गई, टाइल्स जो थी उसकी घटिया गुणवत्ता थी, इस वजह से वहाँ पर नई टाइल्स लगा दी गई और दोबारा से सड़क बनाई, सीमेंटेड सड़क बनाई। आप तस्वीरों में जो अभी हालात देख रहे हैं, ये खटीकान मोहल्ला जो है उस जगह की एक बड़ी तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं हम। ख़ास तौर पर बात यह है कि उस समय हमने बताया था कि ये जो सड़क बनी है, ये जो चौड़ा रास्ता बना है, इस चौड़े रास्ते के ऊपर पानी भरेगा ही भरेगा दोबारा से जब भी कभी बारिश आएगी, और हुआ भी यही, यहाँ पर बारिश हुई और बारिश होते ही घरों में पानी जाने वाली सिचुएशन वापस से एक बार फिर से बन गई है, क्योंकि जल निकासी के यहाँ पर प्रबंध नहीं किए गए थे। बात करें जल निकासी की, तो पहले भी शहर के अंदर जल निकासी के लिए जो सीवरेज हैं वो सीवरेज पाइप बहुत ही छोटी थी, और अब एक बार फिर से शहर के अंदर जब SDM साहब थे और नगर पालिका के अंदर चुनाव नहीं हुए थे, उस समय से जो विकास कार्य जारी थे उसके अंदर जो टेंडर वगैरह जो पास हुए, जिस प्रकार से नगर पालिका ने या सरकारी कर्मचारियों ने काम किया, वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि उन्होंने किस प्रकार का काम किया, आज पानी घरों में जा रहा है। कौन जिम्मेदार है आखिर इन सभी घटनाओं के लिए, आप अच्छे से जानते हैं, सरकार और साथ में आपका आमजन जो ये कहता है कि मुझे समस्या है, और सरकार जो ये कहती है कि हमने विकास करवाया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। नगर पालिका में अभी चुनाव हुए हैं, नव निर्वाचित पार्षद और चेयरमैन बने हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनसे उम्मीद करते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कमेंट करके। बाकी ये थी इंडिया न्यूज़ पॉइंट की एक विशेष पेशकश, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।